Hey guys, what's up? I hope आप सब लोग ठीक होंगे. मेरा नाम है किरण. तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Pocophone F1 के बारे में. जी हाँ दोस्तों, Pocophone F1 जो कि एक बच्चों का फ़ोन लगता है जैसे कोई किडिश फ़ोन है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है. ये एक Xiaomi की तरफ से नया स्मार्टफोन आने वाला है, वो भी एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन. और अच्छी चीज़ बताओ इस Pocophone F1 के बारे में कि इसका एंटीटू स्कोर जो है वो 1+6 से ज़्यादा है. मतलब आने वाले टाइम पर ये 1+6, ऑनर 10, फोन 5G और भी कई सारे जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है उनके लिए अच्छा खासा कंपटीशन बन सकता है. तो इसके काफ़ी सारे लीक्स मार्केट में आ गए हैं जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म ही है. तो उन्हीं सारे लीक्स को मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ. सो लेट्स बिगिन. तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में. तो इसमें आपको एक फ्रंट साइड में एक नॉच देखने को मिलेगा जो कि बहुत ऑब्वियस था कि इसमें आपको मिलना ही था, क्योंकि आजकल हर फ्लैगशिप स्मार्टफोन में नॉच मिल रहा है. तो इसमें क्यों नहीं, इसमें भी मिलना ही था. और दूसरा, अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें आपको 5.99 का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है 18:7:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ. तो अब अगर इस स्मार्टफोन को देखें तो इसमें पीछे की ओर आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ. और ऊपर की ओर इसमें आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल बहुत कम स्मार्टफोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिलता है. तो इसी खुशी पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है. और नीचे की ओर इसमें आपको एक स्पीकर मिल जाएगा, माइक मिल जाएगा USB Type-C के साथ. तो अब इसके परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा विद एड्रीनो 630 GPU. और ऐसा कहा जा रहा है कि ये सबसे सस्ता स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर मिलेगा. तो अब अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ओरियो 8.1 देखने को मिल जाएगा. और रही बात इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 4000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है. और साथ ही में क्विक चार्ज का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा. अब इसके कैमरा की अगर बात करें तो इसमें आपको पीछे की ओर AI पावर डुअल कैमरा देखने को मिल जाएगा 12+5 MP का. वहीं पर फ्रंट में आपको 20 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा. तो ऑब्वियसली इसके फ्रंट कैमरा पर फोकस किया गया है और करना भी चाहिए था, क्योंकि आजकल सेल्फीज का ही तो ट्रेंड है. और रही बात इसमें आपको वेरियंट्स की, तो इसमें आपको अभी तक जितने भी लीक्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग 6GB+64GB मेमोरी स्टोरेज वाला वेरियंट देखने को मिल जाएगा. बट ऑब्वियसली फ्यूचर में और भी इसके वेरियंट्स आ जाएंगे, तो उसका अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा. उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा. तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि इस स्मार्टफोन का प्राइस क्या होने वाला है. जब से ऑनर प्ले 20,000 में लॉन्च हुआ है, तब से हम लोगों का जो प्राइस वाला एक्सपेक्टेशन होता है वो थोड़ा सा हिल सा गया है. अब हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा स्मार्टफोन कौन सी प्राइस में लॉन्च हो जाए. बट खैर, अगर ये स्मार्टफोन 30,000 के नीचे लॉन्च होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अदरवाइज फोन शायद मार्केट में इतना काम ना कर पाए. बट खैर, Xiaomi है, Xiaomi कभी भी कुछ भी कर सकता है. तो दोस्तों, अगर आप लोगों को जानना है इस फोन के आगे के अपडेट्स, तो इस चैनल पर ट्यून्ड रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको जरूर अपडेट मिल जाएंगे. तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.